All right, dear students, let us resume with different types of business environment now. Before I proceed ahead, this diagram is given in our module and this diagram indicates only external environment. Okay, so external environment ke jo factors hai wo yahan pe 5 diye hue hain, but actually many experts believe that business environment consists of internal, external aur usme bhi micro macro. Okay, so refer to the diagram jo maine aapko pehle bana ke diya. This diagram. Now, this diagram is not given anywhere in our books, but this is the actual diagram which people believe and which contains different business environment. Okay. Also, ये सारे different business environmental factor हमारे old curriculum में दिए हुए हैं. तो ये भी आपको पता होना चाहिए. तो ये diagram आपको एक बार study करना है, जो आपने already last video lecture में study कर दिया है. Anyways, I move over to the curriculum as is given in CSET CSET modules. Okay. So tell me, what are the 5 types of environment? Number 1, political environment. Number 2, economic. Number 3, social factor. Number 4, technological factors. And number 5, legal factor. Ab hum ja rahe hain political environment mein. Now students, please listen to me very very carefully. When you study with me, I want you to compulsorily mark everything that I am saying. You can use my notes also and you can use module also. Agar aapne meri class join ki hai to yaar aapko mere notes mile honge. तो ये नोट्स के ऊपर जरा मार्किंग करो, प्लस मॉड्यूल आपके पास हार्ड कॉपी होगी, वो हमेशा साइड पे रखना. यू कैन ऑलवेज क्रॉस वेरीफाई ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द मॉड्यूल इज गेटिंग कवर्ड इन माय क्लास, प्लस लॉट ऑफ एक्स्ट्रा थिंग्स. आई प्रॉमिस यू दैट, आई प्रॉमिस यू, मेरिट रैंक प्रॉपरली पढ़ो. सो द पॉलिटिकल एनवायरमेंट अफेक्ट्स द इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑफ द बिजनेस. सबसे पहले तो यार जरा डिस्कस कर देते हैं कि पॉलिटिकल एनवायरमेंट क्या होता है. तो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल एनवायरमेंट इज नथिंग बट द आइडियोलॉजी ऑफ द इलेक्टेड पार्टी. ध्यान से सुनो. अब यार इसको पढ़ने के काफी तरीके हैं और इसको समझ में लेने के काफी तरीके हैं, बट पॉलिटिकल एनवायरमेंट इज नथिंग बट द पॉलिटिकल पार्टीज जिनको हमने इलेक्ट करके रखा हुआ है. नॉट ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट बट द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट ऑल्सो. ओके, कोरोना वायरस का जब लॉकडाउन हुआ था और जब कोरोना वायरस पेंडेमिक इंडिया में पीक में था, तो हमारा इश्यू ये हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि सारी शॉप्स को खोल दो, स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं यार महाराष्ट्र के अंदर शॉप्स को बंद रखो, और जो लोकल म्युनिसिपैलिटी बोल रही है वो बोल रही है कि कोई भी बाहरी नहीं आएगा, हम कर्फ्यू लगा के रख रहे हैं. तो इतना ज्यादा केओस हो सकता है व्हेन द गवर्नमेंट्स आर नॉट इन सिंक. वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा एलिज कर रही थी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो श्रमिक ट्रेन्स थी, जो माइग्रेंट लेबरर को अपने गांव में लेके जाने की ट्रेन्स थी, उसके डिटेल्स नहीं दिए, बिकॉज सेंट्रल में बीजेपी अपॉइंटेड थी और यहाँ पे ट्राई पार्टी, तीन पार्टीज ने एक साथ, मेनली शिवसेना ने कंट्रोल रखा हुआ है महाराष्ट्र में. तो एवरीवन, ऐसे पॉलिटिकल कंफ्लिक्ट होते हैं. कुछ कुछ पार्टीज होती है, उनकी आइडियोलॉजी होती है कि अल्कोहल बैन होना चाहिए, बीफ बैन होना चाहिए. ओके, कुछ कुछ पार्टीज होती है जो लेफ्ट विंग होती है, कुछ कुछ राइट पार्टीज होती है. तो ऐसा डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल लोगों के आइडियोलॉजीज होती है, तो उस पर डिपेंड करता है. लेजिस्लेचर्स एट द लोकल, स्टेट एंड फेडरल लेवल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकल? मतलब कि म्युनिसिपैलिटीज, ग्राम पंचायत. स्टेट लेवल मतलब स्टेट गवर्नमेंट. फेडरल मतलब कि हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट. सी, फेडरल वर्ड यूज्ड इन यूएसए, हम लोग यहाँ पे उसको सेंट्रल बोलते हैं. इट मे प्रोवाइड इंसेंटिव्स और टैक्स ब्रेक टू द कंपनीज. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है. काफी सारे गवर्नमेंट्स अपने इंडस्ट्रियल एरियाज में टैक्स बेनिफिट्स देती है. यू सेट अप बिग बिग फैक्ट्री, यू एम्प्लॉय 10,000 लेबरर, वी विल गिव यू टैक्स बेनिफिट्स. तो उससे आपका बिजनेस इफेक्ट होता है, आप अपने बिजनेस को और ग्रो कर सकते हो. कुछ कुछ गवर्नमेंट्स एमएसएमई को बहुत बूस्टर देती है, बहुत सारे लोन्स देती है, फंडिंग देती है. जैसे इंडिया में भी एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन होता है, मैंने भी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन किया हुआ है एडवर्ड अकेडमी का, और इससे हमें क्विकली लोन्स मिलते हैं, हमें कुछ कंसेशन मिलते हैं प्रोसेसिंग फी में. तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से फर्क पड़ता है. इन द लैटर केस, फॉर एग्जांपल, इफ अ पॉलिटिकल बॉडी स्टेट्स दैट कंपनी मस्ट इंक्लूड सर्टेन केमिकल इन द प्रोडक्ट, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट डिफर्स. ओके, तो यहां पे एवरीवन, इन्होंने क्या किया हुआ है कि हमारा मॉड्यूल हमें बता रहा है, इफ द गवर्नमेंट मेक्स इट कंपल्सरी फॉर द कंपनी टू डू अ पर्टिकुलर थिंग, लाइक फॉर एग्जाम्पल सोशल डिस्टेंसिंग करो, हैंड सैनिटाइजर लोगों को दो और फ्री ड्रिंकिंग वाटर रखो, तो ये सारे कंपल्सरी पॉलिसीज की वजह से कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विल इंक्रीज एंड देन वी विल चार्ज द कस्टमर्स अ हायर कॉस्ट. ओके, अ हायर प्राइस फॉर द प्रोडक्ट. तो वैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि अगर पॉलिटिकल बॉडी ने बोला कि कंपनी मस्ट इंक्लूड अ सर्टन पर्टिकुलर केमिकल इन द प्रोडक्ट, देन कॉस्ट विल इंक्रीज यार, एंड द कॉस्ट विल बी पास्ड ऑन टू द
consumer in the form of higher prices. मैं नीचे जा रहा हूँ. The customer must determine whether he wants to purchase that product or not. If he does not purchase, then the company does not receive the revenue. तो यहाँ पे company का revenue loss हो गया because of the political ideology. तो कुछ कुछ states हैं इंडिया में, जैसे कि गुजरात है, बिहार है, वहां पे alcohol sell करना allowed नहीं है, तो alcohol manufacturers को loss होता है. अब सही है या गलत उसकी हम बात नहीं करें, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि जो government policies है उससे business को impact होता है. इसके बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं. इफ अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर डिसाइड नॉट टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट देन द कंपनी मे नीड टू ले ऑफ एम्प्लॉइज, मतलब एम्प्लॉइज को फायर करना पड़ेगा. तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से कंपनी को पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट दोनों हो सकता है. ऑलराइट एवरीवन, ये सब हम हर दिन इंडिया में देखते हैं, हम पूरी दुनिया में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की वजह से वेरियस कंपनीज इफेक्ट होती है, हम देखते हैं. चलो मैं आगे जा रहा हूं एवरीवन, आई एम मूविंग ओवर टू इकोनॉमिक एनवायरमेंट नाउ. तो सर ये इकोनॉमिक एनवायरमेंट क्या होता है? तो स्टूडेंट्स याद रखना कि जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज होती है, आई वांट यू टू स्टडी कैपिटलिज्म आल्सो, ओके, फ्रॉम इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर सीएसईईटी वाले. इवन दो कैपिटलिज्म सोशलिज्म मिक्स्ड इकोनॉमी हमें नहीं है, आई वांट यू टू स्टडी इट, ऑलराइट, फॉर योर नॉलेज, क्योंकि आगे वो यूजफुल होता है. नाउ इन कैपिटलिज्म स्टूडेंट्स देर आर अ थिंग कॉल्ड ट्रेड साइकिल्स, ओके. तो जब बहुत तरक्की होती है, प्रॉस्पेरिटी होती है, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग होता है, सब लोग को जॉब मिल रही है, सबके पास बहुत पैसा है, एवरीवन इज फंडिंग, आई go to your shop and I spend the money on you, so you get a lot of money, and then you come to my shop and you spend the money on me, matlab ki my products, and then I become rich. So if I am rich, you are rich, if I am poor, you are poor. Agar hum sabke paas paisa hi nahi hoga to hum koi shop mein jayenge hi nahi, hum koi kharcha karenge hi nahi, kharcha nahi karenge to dusre ka revenue kaise aayega, right everyone? So the larger economic environment of a society is a factor that can affect company's business environment during recession. तो स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताना, रिसेशन क्या होता है? रिसेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे सब बिजनेसेस नीचे जा रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, मार्केट में डिमांड नहीं है. डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट में गरीबी है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, लोगों के पास जॉब नहीं है. रॉबर्ट्स ने उनकी जॉब ले ली, कंप्यूटर्स ने उनकी जॉब ले ली, कोरोना वायरस के जैसे लॉकडाउन हो गया, या तो फिर ग्लोबल ट्रेड्स बंद हो गए, ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं रिसेशन के. तो जब लोगों के पास पैसा कम है तो लोग कार्स और अप्लायंसेस खरीदेंगे नहीं, लोग क्या खरीदेंगे? खाना कपड़ा खरीदेंगे. जो एसेंशियल है, जो दवाइयां हैं, जो एजुकेशन है, जो कपड़ा है, जो खाना है, इसके ऊपर हम खर्चा करेंगे. सी अगर मान लो बहुत गर्मी है और मेरे पास पैसा नहीं है, आई कैन बाय स्मॉल कूलर 5000 रुपए का, वाई टू बाय एन एसी ऑफ 50,000 रुपए एंड पे इलेक्ट्रिसिटी बिल 5000 पर मंथ. उससे अच्छा कूलर, एयर कूलर खरीद लूंगा ना 5000 का, पानी डालो, ऑन करो, इलेक्ट्रिसिटी का भी कुछ चार्ज नहीं, पंखा है वो एक, राइट एवरीवन. तो जब रिसेशन होती है, लोगों के पास पैसा नहीं होता, इकोनॉमिक टर्मोइल होता है, तो लोग डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम करते हैं, मतलब कि वो चीजें जो नेसेसरी नहीं है उसको नहीं खरीदते, लग्जरीज नहीं खरीदते. एज अ रिजल्ट द बिजनेस एनवायरमेंट सफर्स. अब लोग नहीं खरीदेंगे तो दुकान वाले यार गरीब होंगे, दुकान वाले और मैन्युफैक्चरर्स अगर गरीब हो जाएंगे तो वो लोग एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाएंगे लोगों को. ऑन द अदर हैंड, इफ द इकोनॉमिक एनवायरमेंट इज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अगर बरकत है, कंज्यूमर्स आर गोइंग टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी, और इससे सबके पास पैसा आ जाएगा, नॉट ओनली ऑन नेसेसिटी बट लार्जर आइटम एज वेल. तो यहाँ पे देखो, छोटा सा डायग्राम मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है ट्रेड साइकिल का. एक्सपांशन, बूम, बूम में तरक्की होता है, देन रिसेशन, डिप्रेशन, डिप्रेशन में कोई कुछ खरीद ही नहीं रहा. लेफ्ट साइड देखो, यहाँ पे एक मार्केट है, कितना चहल पहल है, ट्रक्स है, दे आर सप्लाइंग गुड्स, और इतने सारे लोग है कि मार्केट भरी हुई है. और यहाँ राइट साइड पे देखो, कोई आई नहीं रहा सुपरमार्केट में, रिसेशन हुआ पड़ा है, तो सुपरमार्केट ने जो चीजें वो भी कम रखी है, सप्लाई चेन भी खराब हो गई है, लोग ब्रेड मैन्युफैक्चर कर ही नहीं रहे, हमें बेकर ब्रेड सप्लाई नहीं कर रहे, हमें कंपनीज बिस्किट सप्लाई नहीं कर रही, लोग खरीद नहीं रहे, शेल्फ भी मेरा खाली पड़ा हुआ है, सप्लायर्स भी सप्लाई नहीं कर रहे, कस्टमर्स भी खरीद नहीं रहे. तो राइट इमेज इज ऑफ द रिसेशन. सोशल फैक्टर्स में जा रहे हैं. बिफोर वी गो टू सोशल फैक्टर्स, क्या होता है सोशल फैक्टर? तो इट इज योर एथनिसिटी, द नेशनैलिटी, आपकी कौन सी रिलीजन है, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपकी कंट्री कंजर्वेटिव है या फ्री है. अगर आप फ्रांस में जाके साड़ियां बेचोगे कोई नहीं खरीदेगा, बट अगर आप इंडिया में कोथरूड पुणे में साड़ी बेचोगे, एवरीवन विल बाय इट, राइट एवरीवन. तो इट डिपेंड्स वेयर यू आर, वहां का कल्चर क्या है. जब फॉरेन कंट्रीज में हाउस वार्मिंग होता है, मतलब कि जब नया घर लोग खरीदते हैं, तो इट इज कस्टमरी टू बाय अ शैंपेन और अ नाइस रिफाइंड वाइन, अच्छी स्पार्कलिंग वाइन, शैंपेन, महंगी महंगी बॉटल्स खरीदते हैं और गिफ्ट करते हैं. इफ यू डोंट डू दैट, इट इज कंसिडर्ड रूड. इंडिया में आप
दारू लेके आओ लोगों की हाउस वार्मिंग में, मतलब सत्यनारायण पूजा में लात मार के आपको बाहर निकाला जाएगा। हमारे यहाँ पे प्रसाद लाते हैं, हमारे यहाँ पे अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लाते हैं, लॉर्ड गणेशा की मूर्ति लाके गिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस इन कल्चर है डियर स्टूडेंट्स। तो आप जिस एनवायरमेंट में हो वो एनवायरमेंट के हिसाब से आपको काम करना है। अब अगर मान लो आप एक ऐसी कंट्री में हो जहाँ पे लोगों का बिलीफ है कि शॉर्ट्स नहीं पहनने चाहिए, आदमियों ने भी औरतों ने भी, तो वैसी कंट्री में अगर आप शॉर्ट्स की दुकान खोल के बैठोगे आपका सेल नहीं होगा। बट इफ यू गो टू हांगकांग एवरीवन इज इन शॉर्ट्स, इफ यू गो टू मालदीव्स एवरीवन इज इन शॉर्ट्स। यार वहां पे बिना शॉर्ट्स के चलता नहीं, प्लस गर्मी इतनी होती है आपको शॉर्ट्स पहनना पड़ेगा। एंड द सेम विद इंडिया, इन टुडेज मॉडर्न इंडियन सोसाइटी हम लोग सब आधे टाइम शॉर्ट्स पहन के घूमते हैं यार, स्पेशली जब गर्मी होती है। तो यहाँ पे आपका शॉर्ट्स का बिजनेस होगा। यू डू द सेम इन अ कंट्री जहाँ पे लोग सिर्फ पैंट पहनते हैं, शॉर्ट्स कोई नहीं पहनता, you will not be able to make money, right? So that is cultural environment for you, that is social factors. So social factors of the affect the economic environment of the business, and these are nothing but cultural influences of the time. Ekdam sahi likha hai yahan pe. For example, a fashion designer that creates bell bottom striped pants will not succeed in an environment jahan pe straight leg solid colored pants are desired, right everyone? To bell bottom jo tha, bell bottom ye 1970s 1980s mein, even early 1990s maine bhi pehna hai wo, तो वो टाइम पे वो फैशन था। आजकल स्ट्रेट फिट का फैशन है, जो मेरी जीन्स है स्ट्रेट फिट, आई कैन नॉट वेयर बेल बॉटम टुडे। देन देयर वाज अ फैशन इन 2010s कि एंकल्स दिखाते थे, आई डोंट गेट इट, बट मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे वो ट्रेंडी कपड़े पहनते थे, एंड यू नो वेरी वेरी स्लिम कपड़े, जीन्स एंड टाइट्स एंड पता नहीं क्या क्या पहनते थे, आई एम टॉकिंग अबाउट बॉयज ओके नॉट गर्ल्स। तो एंकल दिखाते थे, सॉक्स नहीं पहनते थे, यार आई कैन नॉट गो आउट विदाउट सॉक्स। सो यहाँ पे कल्चरल डिफरेंस होता है, जनरेशन का भी डिफरेंस होता है। अ सोशल एनवायरनमेंट दैट टेंड्स टू बी मोर कंजर्वेटिव विल नॉट सपोर्ट स्टाइल्स दैट अपीयर टू बी ट्रेंडी। ओके, तो ट्रेंडी स्टाइल्स कंजर्वेटिव लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे, कंजर्वेटिव सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करेगी। द फैशन डिजाइनर्स बिजनेस विल सफर अगर उसने अपना कपड़े का चॉइस नहीं बता। द सेम विल अप्लाई टू मैन्युफैक्चरर्स दैट प्रोड्यूस एंड स्टोर stores that sells these wares, तो वो manufacturer, वो stores जो ये कपड़े बेचते हैं वो भी नहीं चल पाएंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही shorts के बारे में बताया। Correct everyone? Moving over to technological factors. अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। Imagine करो that we are in a society जहाँ पे सिर्फ electric cars है, okay? और वो भी auto driven, मतलब computer driven। यार self driven electric cars की market में आप diesel SUV बेचोगे? अरे नंबर वन, गवर्नमेंट के लॉज होंगे, डीजल एसयूवी कोई नहीं चलाएगा। नंबर टू, पीपल विल लुक डाउन अपॉन यू, आपको सही नहीं लगेगा, आपको लगेगा आप सोसाइटी को पोल्यूट कर रहे हो, राइट एवरीवन? और इतनी कंजस्टेड सिटीज में जहां पे सिर्फ वन सीटर टू सीटर छोटी छोटी इलेक्ट्रिक कार चल रही है, वहां पे एक बड़ा डीजल का इतना बड़ा ट्रक ला के आप क्या करोगे यार, राइट एवरीवन? आप कैसे उसको रन करोगे, कहां पार्क करोगे आप? तो ये होते हैं टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। एवरी डे टेक्नोलॉजी चेंजेस डियर स्टूडेंट्स, राइट? अभी ये जो मैं क्लास ले पा रहा हूं विद अ सेटअप एंड विद अ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट आई हैव, ये सब पहले नहीं था डियर स्टूडेंट्स। वो टाइम पे टेक्नोलॉजी ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं करती थी, वो टाइम पे इतना एडवांसमेंट नहीं था, तो लोग इस तरीके के लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं करते थे। अभी आज है तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, करेक्ट एवरीवन? मैं टेक्नोलॉजी का हमेशा एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है। एक पर्सन ने ये देख के कि कितना सारा बूम है इंटरनेट कैफेज का, 2000s की बात कर रहा हूँ, तो इंटरनेट कैफेज इतने सारे, एक गली में 5 इंटरनेट कैफे पूरे भरे पड़े, और उसने इंटरनेट कैफे शुरू किया, बहुत सारे कंप्यूटर्स इंस्टॉल किए, कोई भी नहीं आ रहा। तो उसने यार बाहर गया और उसने दुकान वाले को पूछा कि अरे सारे कस्टमर किधर, इंटरनेट कैफे कोई क्यों नहीं आ रहा? उसके दुकान दूसरा जो इंटरनेट कैफे वाला था उसने बोला लुक एट दी स्ट्रीट अक्रॉस, और उसको स्ट्रीट अक्रॉस पे एक बहुत बड़ा एड दिखा, एक किराना वाले की दुकान थी, उसके बाहर एड लगाया हुआ था, नाउ टाटा फोटोन डोंगल अवेलेबल, पुट दिस डोंगल इन योर यूएसबी स्लॉट एंड एंजॉय इंटरनेट एनीवेयर। ओके, तो लोग टाटा फोटोन लेने लग गए। तो ये बंदे ने टाटा फोटोन का डीलरशिप लिया, इंटरनेट कैफे बंद किया, उसने देखा वापस से कस्टमर आने बंद हो गए। बाहर गया, उसने देखा कि जो ऑपोजिट किराना वाले की दुकान थी वो ग्रॉसर शॉप में उसने बाहर बोर्ड लगाया था, नाउ गेट 3G इंटरनेट सिम कार्ड फॉर ओनली 499 एंड यू कैन यूज इट इन योर मोबाइल फोन टू मेक योर मोबाइल फोन हॉटस्पॉट। और ये सोच रहा है वाईफाई हॉटस्पॉट क्या होता है। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज होती है, और जो प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो वो ऑब्सोलीट होते हैं स्टूडेंट्स। एक टाइम था जब एडवर्ड एकेडमी में एक भी वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा नहीं था, आज हमारे पास 5-5 वीडियो रिकॉर्डिंग कैमराज है, सेटअप है, सॉफ्टवेयर है,
जो पहले नहीं थे। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको भी चेंज होना है, नहीं तो आप कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होंगे। पहले पहले मैं व्हाइट बोर्ड पे सिखाता था, अभी व्हाइट बोर्ड पे सिखा सकता हूँ? नो, आई हैव टू यूज ऑल दी ऑडियो विजुअल मीन्स एट माई डिस्पोजल टू मेक द क्लास इंटरेस्टिंग। ओके, सो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अफेक्ट्स द बिजनेस एनवायरमेंट, डेफिनेटली, ऑफकोर्स इट डस। जरा आपके लिए पॉइंट वाइज बुलेटिंग कर देता हूं यहां पे। एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस, बिजनेस इज फोर्स टू कीप पेस। तो जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है, आपको भी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। पहले पहले आई रिमेम्बर कि जो दुकान वाले थे, वो थैले में सामान डालते थे और उसको रोल ऐसे गोल 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 घुमा के उसको नॉट बांध के देते थे। आजकल नंबर वन, प्लास्टिक बैग्स अलाउड नहीं है। सो देयर आर डिस्पोजिबल प्लास्टिक विच इज इको फ्रेंडली प्लास्टिक बैग्स। उसको प्लास्टिक नहीं, कोई और मटेरियल बोलते हैं, आई डोंट नो क्या है वो, बट या इट लुक्स लाइक प्लास्टिक, इट इज नॉट प्लास्टिक। तो वो बैग्स के ऊपर सीलर होता है दुकानों में, तो उसको सील कर देते हैं, राइट? छोटी सी एक मशीन होती है। तो मशीन आजकल सब जगह है, पहले नहीं होती थी यार। तो ऐसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, द कंप्यूटर्स वर फर्स्ट इन्वेंटेड, दे वर द साइज ऑफ अ रूम एंड यूजर्स वर फोर्स टू एम्प्लॉय पंच कार्ड्स। ओके, तो आदम बाबा के जमाने का टेक्निक था स्टोरिंग डेटा, स्टोरेज का, पंच कार्ड, जैसे कि आजकल हम पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क यूज करते हैं वैसा ही। टूडेज कंप्यूटर्स आर मच मोर पावरफुल एंड दे कैन फिट इन टू द पाम ऑफ योर हैंड, या एग्जैक्टली योर मोबाइल फोन। सो दिस कंप्यूटर इज सो पावरफुल, आपको क्या बताऊं, इसके अंदर 4 GB रैम है। आई रिमेम्बर बड़े बड़े डेस्कटॉप होते थे, एवरीवन, लाख, 2 लाख, 3 लाख के, उसमें भी 4 GB मेमोरी नहीं होती थी, राइट? बिजनेसेस दैट डू नॉट कीप अप विद टेक्नोलॉजी रिस्क इंक्रीज कॉस्ट इन प्रोडक्शन एंड हायर प्राइसेस। अब यार आप इमेजिन करो कि दो दुकानें हैं, ओके? मेरी दुकान है, दूसरे वाले की दुकान है। मैं कोल्ड ड्रिंक बेचता हूँ और कुछ समोसा बड़ा बेचता हूँ, साइड वाला भी वो करता है। अब यार मेरी जो कोल्ड ड्रिंक्स है, ये मैं अपने फ्रिज में रखता हूँ और छोटी छोटी बॉटल्स होती है, तो मुझे एक लड़का लगता है, वो कोल्ड ड्रिंक खोल के ग्लास में डाल के लोगों को देता है। बट जो बाजू की दुकान वाला है, उसके पास एक फाउंटेन मशीन है, तो फाउंटेन मशीन पे बस आप थर्मोकॉल का ग्लास ले लो, नीचे प्रेस कर दो एंड यू गेट द कोल्ड ड्रिंक। सो यू डोंट नीड टू एम्प्लॉय एनी वन टू ओपन द कोल्ड ड्रिंक, टू अनलोड द ट्रे एंड यू नो अनलोड द क्रेट्स एंड वॉट नॉट। यहाँ पे यार आप अपना पैसा बचा सकते हो बाय डूइंग ऑटोमेशन। ओके, एक दुकान है, वो दुकान पे एक आदमी बैठा है और जब सब कैश कलेक्ट करके मैनुअल रिसीट बना रहा है। वेयर एज दूसरी दुकान है, वहां पे पेटीएम करो, फोन पे करो, इमिजिएटली आपको उसका एक नोटिस आ जाएगा कि आपने फोन पे किया है, पेमेंट किया है, एंड देर इज नो नीड टू गिव यू एनी बिल, बिकॉज फोन पे और पेटीएम के ऊपर ही आपको वहां पे डिटेल्स मिल रहे हैं। तो यू कैन यूज टेक्नोलॉजी इन दैट वे। इफ द कंपनीज कॉस्ट टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस आउटपेसेस द कॉम्पिटिटर, द कंपनी कैन सून फाइंड इटसेल्फ आउट ऑफ बिजनेस। मतलब कि अगर आपका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा होगा, दूसरे का कम है, आपका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा, आपके पास प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, धीरे धीरे आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा, राइट? सो टेक्नोलॉजी ये एक बहुत अच्छा फ्रेंड और आपका वर्स्ट एनिमी भी हो सकता है, राइट? एंड लुक एट नोकिया स्टूडेंट्स। नोकिया का एग्जाम्पल हम हमेशा क्लास में डिस्कस करते हैं। नोकिया ने क्या किया कि जो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म था उसको एक्सेप्ट नहीं किया, एंड सैमसंग इमर्ज टू बी मार्केट लीडर इन एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म, राइट एवरीवन? एंड नोकिया बर्बाद हो गया मेरे टाइम पे, बैक इन दी अर्ली 2000s। नोकिया वॉज द मोस्ट रिलायबल एंड पॉपुलर मोबाइल फोन कंपनी। माई फर्स्ट मोबाइल फोन वॉज ए नोकिया, आज दिखता भी नहीं है, इट इज अ सैड स्टोरी। लीगल फैक्टर्स एवरीवन। अभी लीगल फैक्टर्स क्या होते हैं, तो सुनो, देयर इज अ वेरी ब्यूटिफुल मूवी कॉल्ड खोसला का घोसला। ओके, लिसन टू मी एवरीवन, एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, एकेडमिक पर्पज के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो ये जो मूवी है ना खोसला का घोसला, उसमें क्या होता है कि एक फैमिली होती है, बहुत ही सिंपल फैमिली, और वो एक प्लॉट खरीदते हैं, वो प्लॉट के ऊपर गुंडा कब्जा कर देता है। तो देर आर लॉज, ओके, इन इंडिया देर इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देर इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एंड देन देर आर क्रिमिनल लॉज कि कोई भी क्रिमिनल अगर मेरे साथ मिसबिहेव कर रहा है, मेरी एसेट्स का जो यूज करने का राइट है उसको वंचित कर रहा है मुझे एसेट को यूज करने से, तो आई कैन फाइल एन FIR। बट ये सब का रियल लाइफ में फायदा होता ही नहीं, तो अगर नहीं होता तो वॉट गुड आर योर लॉज एंड योर लीगल सिस्टम? डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो लॉ है बट उसको कोई इंप्लीमेंट ही नहीं करता, गुंडागर्दी चल रही है। तो यार ऐसी सोसाइटी में आप अपना बिजनेस नहीं कर पाओगे, राइट? दोज आर लीगल फैक्टर्स। तो बिजनेस को लीगल नॉलेज होना चाहिए, लॉयर्स कंपनी सेक्रेटरीज बिजनेस में होने चाहिए, क्या लेबर लॉज है, मेटर्निटी एक्ट क्या बोलती है, मिनिमम वेजेस एक्ट क्या बोलती है, कितनी बार फैक्ट्री एक्ट के इंस्पेक्टर आके चेक करेंगे आपके प्रमाइसिस को, क्या ये लोग रिश्वत मांगेंगे, क्या अगर आपके ऊपर कोई झूठा कोर्ट केस हुआ या कोई आपके राइट्स को छीन रहा है तो क्या आप कोर्ट में जाके वो राइट्स को एनफोर्स कर सकते हो,
क्या आपको स्पीडी जस्टिस मिलेगा या 10 साल तक तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पड़ेगी, राइट? सो ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर लीगल फैक्टर्स एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन। बाय द वे इंडिया हैज नाउ कम अ लॉन्ग वे एंड इंडिया में काफी अच्छा लीगल सिस्टम है, तो काफी अच्छे से आप बिजनेस कर सकते हो एंड यू कैन रिलाई ऑन द लीगल सिस्टम टू रिड्रेस योर ग्रीवियंसेस। दिस इज ऑफन डन व्हेन अ कंपनी इज लॉयर एंटिसिपेट्स अ चेंज इन लेजिस्लेशन और इट मे बी ड्यू टू लॉसूट्स ऑलरेडी फिल्ड और एंटिसिपेटेड। ओके, तो इसी के लिए बिजनेस विल नीड टू चेंज हाउ इट ऑपरेट्स फॉर लीगल रीजंस। आपको लॉस को फॉलो करना पड़ेगा, आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो एम्प्लॉयज है आप उनका ध्यान रख रहे हो, उनको पेमेंट कर रहे हो सैलरी की, एटलीस्ट मिनिमम वेजेस आप पे कर रहे हो, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको आप मेटर्निटी लीव्स दे रहे हो, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पार्ट ऑफ मशीन इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव द कंपनी मे नीड टू इश्यू अ रिकॉल। तो यार अगर आप एक मशीन मैन्युफैक्चर करते हो राइट और ये मशीन में कुछ डिफेक्ट निकला तो आपको रिकॉल करना पड़ेगा, मशीन्स को वापस लेना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा। आई रिमेंबर विद माई हार्ली डेविडसन, तो जो मेरी हार्ली डेविडसन थी 2019 की बात है, ओके, कंपनी से मुझे फोन आया कि ब्रेक्स डिफेक्टिव है, तो इसी के लिए हम ब्रेक्स को चेंज करें। उन्होंने ऐसा नहीं बोला ब्रेक्स डिफेक्टिव है, उन्होंने बोला वी आर चेंजिंग द ब्रेक्स। तो उन्होंने मेरी बाइक ली और ब्रेक्स को पूरा चेंज किया, दोनों जगह पर डिस्क ब्रेक होता है, इट इज अ वेरी हाई परफॉर्मेंस, वेरी पावरफुल बाइक। एंड देन आई रेड ऑनलाइन द रिव्यूज कि बहुत सारी गाड़ियों के वो पर्टिकुलर मॉडल के ब्रेक्स फॉल्टी हो रहे थे, तो इसी के लिए फ्री में हमें सब ब्रेक्स चेंज करके दिए, विच टैंड अमाउंटेड टू 20-30,000 रुपी पर बाइक। ओके, सो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपको लॉ को फॉलो करना पड़ता है। इफ अदर कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री आर बींग स्यूड फॉर समथिंग लाइक डेटा ब्रीच, मतलब कि किसी का कॉन्फिडेंशियल डेटा है और डेटा लोगों ने ब्रीच कर दिया, मतलब किसी को दे दिया है, अलाउ किया है दूसरों को, हैकर को अटैक करने को, तो वो कंपनी को स्यू कर रहे हैं, तो आपको भी चेंज करना पड़ेगा हाउ यू स्टोर एंड कलेक्ट योर इन्फॉर्मेशन, राइट? स्टूडेंट्स, और कुछ एग्जांपल देता हूं। आजकल मेडिकल लॉसूट्स होते हैं डॉक्टर्स के ऊपर, ध्यान से सुनो, इस तरीके से सोसाइटी चेंज हो गई है। क्या लॉसूट्स होते हैं कि डॉक्टर्स ने मुझे ठीक से ट्रीट नहीं किया, तो मेडिकल नेग्लिजेंस का लोग लॉसूट करते हैं अपने डॉक्टर्स के ऊपर। तो इफ यू आर अ डॉक्टर और अ हॉस्पिटल, यू नीड टू हैव अ पैनल ऑफ लॉयर्स टू प्रोटेक्ट यू। वैसे ही आजकल कॉन्ट्रैक्ट को लोग बहुत ब्रीच करते हैं, लोग वादा करते हैं आपका काम करेंगे, फिर नहीं करते, पैसा लेके भाग जाते हैं, तो यू नीड टू हैव अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी हो चुका है, मैंने लोगों को बहुत ट्रस्ट किया, लोग पैसा लेके भाग जाते हैं, लोग काम नहीं करते when they have committed you that they will work, right? So you need to pen down good contractual agreements, you need to have lawyers who are representing you, and you should be fine, all right? So that is about legal environment. Thank you so much everyone. Students, moving ahead with this chapter, ab inhone new curriculum mein kya kiya hai, that in the study module they have given us lot of data, and kafi sara data bahut purana hai, 2014, 2017, we are in 2020, 2021, 2022, जब हम एग्जाम्स दे रहे हैं, और काफी पुराना डेटा उन्होंने दिया हुआ है, बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है, सब कुछ याद नहीं रखना, जो इंपॉर्टेंट है उतना ही याद रखना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स? मुझे पता है थोड़ा सा बोरिंग एरिया हो सकता है, सो प्लीज सिट अपराइट ऑन अ चेयर, हाथ में आपका पेन होना चाहिए, ये सब चीजें आपको हाईलाइट और नोट डाउन करना है एज फार एज प्रैक्टिकेबल। ओके, सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर इंडिया। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? देखो, बिजनेस करना ये बहुत जरूरी होता है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ताकि इकोनॉमी बूम हो, लोग नए नए बिजनेस खोलेंगे, तभी तो जॉब मिलेगी, तभी तो न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विसेज क्रिएट होंगे, और तभी तो इकोनॉमी डेवलप होगी यार। तो इसी के लिए बिजनेस करना एक कंट्री में ईजी होना चाहिए, और इंडिया की रैंकिंग कैसी है जरा एक बार ये हम चेक कर रहे हैं। कुछ बहुत अच्छी रैंकिंग नहीं है, बट The good thing is कि हमने कुछ improvements किए as compared to earlier years. In the World Bank's latest doing business report 2019, India has recorded a jump of 23 position against its rank of 100 in 2017, now to be placed at 77th rank. अब ये important है, देखो मैंने highlight किया है, इतना आपको याद रखना है। बोलो पहले क्या rank था? 100, अब हमारा rank कितना है? 77. टोटल कितनी कंट्रीज है? 190 कंट्रीज विच आर असेस्ड बाय वर्ल्ड बैंक। कितना बोलो हमारा जंप हो गया है? 23 रैंक्स का हमारा जंप हुआ है। मैं नीचे जा रहा हूं एवरीवन, और ये जो उन्होंने किया है, मतलब हमारी कंट्री कर पाई है, दिस इज अ वेरी वेरी रेयर फीट। ये देखो यहाँ पे लिया हुआ है, इंडिया हैज इंप्रूव्ड इट्स रैंक बाय 30 प्लेसेस, अ रेयर फीट फॉर एनी लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री ऑफ द साइज ऑफ इंडिया। As a result of continued efforts, India has improved the rank by 53 positions in the last 2 years
and 65 positions in the last 4 years. Okay. The doing business assessment provides an objective measure of business regulation and their enforcement across 190 economy on 10 parameters. 10 mein. Kitne parameters hai? 10 parameters which affects the business during its life cycle. So, ye 10 parameters ko evaluate karte hain World Bank organization, right? So, main aage ja raha everyone. The DBR, matlab ki doing business report ranks countries on the basis of distance to frontier, a score that shows the gap of an economy to the global best practice. So, puri duniya mein best countries kaun si hai for ease of doing business aur usse aapka rank kitna hai. This year, India's DTF score improved to 67.23 from 60.76 in the previous year. Alright. मुझे पता है थोड़ा बोरिंग एरिया है, कुछ नहीं कर सकते हम. इंडिया हैज इंप्रूव्ड द रैंक इन 6 आउट ऑफ 10 इंडिकेटर्स. तो बोलो कितने इंडिकेटर्स है? 10. उसमें से हमने कितने इंडिकेटर्स में रैंक इंप्रूव किया है? 6. एंड हैज मूव क्लोजर टू इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस. बट द मोस्ट ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट हैज बीन रजिस्टर्ड इन रिलेशन टू कंस्ट्रक्शन परमिट एंड ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन परमिट? मतलब कि जब भी आपको कुछ कंस्ट्रक्ट करना है, फैक्ट्री, बिल्डिंग, रेजिडेंशियल सोसाइटी, ऑफिस, तो आपको कितना इजीली परमिट्स, मतलब गवर्नमेंट लाइसेंस मिलता है. एंड ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, मतलब कि इंटरनेशनल ट्रेड आपका कैसा है. ओके तो देखो यहां पे वो वही बता रहे हैं कि इंडिया का जो रैंकिंग है कंस्ट्रक्शन परमिट में वो इंप्रूव हो गया 181 से 52. ओके ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. इन ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर इंडिया का रैंक इंप्रूव हो गया बाय 66 पोजीशंस, मूविंग फ्रॉम 146 टू 80th. ओके चलो ये 6 इंडिकेटर्स देखते हैं जहां पे इंडिया का रैंक बढ़ गया है. ये टेबल जरा देखेंगे. ओके सो लुक एट दिस स्टूडेंट्स. सबसे पहला तो कंस्ट्रक्शन परमिट और दूसरा ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, यहां पे हमारा रैंकिंग बढ़ गया. अब ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम. वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ दिस अचीवमेंट. स्टार्टिंग अ बिजनेस, गिविंग क्रेडिट मतलब उधारी लेना, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बिजली लेना अपने ऑफिस के लिए, एंड एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि किसी के साथ आपने लीगल कॉन्ट्रैक्ट किया और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो यू हैव टू गो टू कोर्ट एंड यू हैव टू मेक देम डू द वर्क. तो इसको कहते हैं इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट. तो ये इसका रैंकिंग कैसे बढ़ा है? तो सबसे अच्छा कंस्ट्रक्शन परमिट, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर एंड स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस बढ़ा है. मैं नीचे जा रहा हूं. द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियाज परफॉर्मेंस आर वर्ल्ड बैंक ने रिकॉग्नाइज किया इंडिया इज वन ऑफ द टॉप इंप्रूवर्स फॉर द ईयर. ओके कौन सा ईयर? 2019. दिस इज द सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर जहां पे इंडिया एक टॉप इंप्रूवर हुआ है. तो 2 साल तक हुआ ये. India is the first in BRICS and South Asian country. What is BRICS everyone? ध्यान से सुन लो. BRICS यहां पे आपको मैं लिख के दे देता हूं. BRICS मतलब कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. ओके तो ये जो कंट्रीज है, 5 countries, ये वैसी कंट्रीज है जिनका पॉपुलेशन बहुत है बट इतना ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी तक हुआ नहीं है. तो दिस इज अवर आंसर टू द अमेरिकन्स एंड टू द यूरोपियंस. तो हमने ब्रिक्स बनाया है, यह हमारा एसोसिएशन है. पहले ब्रिक था BRICS और अभी ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका को भी हमने ऐड कर दिया है. ये सब अगर मिला दोगे आप ये सब कंट्रीज को तो ऑलमोस्ट हाफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ब्रिक्स में आ जाती है, राइट? तो दिस अ वेरी पावरफुल यूनियन. इंडिया हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट इंप्रूवमेंट इन 2 years बाय एनी लार्ज कंट्री सिंस 2011 इन द डूइंग बिजनेस असेसमेंट. ओके और कितने से हमारा रैंकिंग इंप्रूव हो गया? 53 पोजिशन से. तो ये सब एवरीवन आपको याद रखना है. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूड परफॉर्मेंस इंडिया इज नाउ प्लेस्ड एट फर्स्ट पोजिशन अमंग साउथ एशियन कंट्रीज एज अगेंस्ट 6th इन 2014. तो हमारा रैंक था 6th इन 2014, अभी हमारा फर्स्ट रैंक हो गया इन साउथ एशियन कंट्रीज इन 2019. ओके स्टूडेंट्स, तो आगे का कंटिन्यू हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे.